हाय गाइस, सो आज की वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ये HD मेकअप बेस और वो भी बिल्कुल इजीली अवेलेबल प्रोडक्ट्स के साथ। और हम क्रिएट करेंगे ये येलो एंड ऑरेंज का आई मेकअप लुक, जिसको मैंने नेम दिया है सनशाइन लुक। तो मैंने इस वीडियो को डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट वीडियो में आपको बेस बनाना सिखाऊंगी, सेकेंड वीडियो में कंटूरिंग कंसीलिंग और थर्ड पार्ट में आपको आई शेडोज लगाना भी सिखाऊंगी। तीनों पार्ट्स ज़रूर देखना। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। बहुत जल्दी मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। आप 5000 करवा दीजिए प्लीज़, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी वीडियो को शेयर करके। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। वीडियो को पूरा देख कर ज़रूर जाना और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर। आइए देखते हैं आज की वीडियो। और मैंने लिया है नया हेयर कट, तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले हम अपना बेस बनाएंगे। मैंने अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स हुए हुए हैं क्योंकि विंटर्स में मुझे ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। कहीं से ड्राई होता है, कहीं ब्रेकआउट होता है, कॉम्बिनेशन स्किन का भी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो स्किन को हम अच्छे से प्रेप करेंगे मेकअप करने के लिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए इस तरीके से एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम। मैं यूज़ करती हूँ सीटाफिल की मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। थोड़ी सी ही क्वांटिटी लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आपकी ऑयली स्किन भी है तो भी आप एक बारी मॉइस्चराइज़र लगा लें। कोई अच्छा सा वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र ले लें, पर ज़रूर लगाएं मॉइस्चराइज़र। इससे आपकी स्किन मेकअप से बची रहती है। गर्दन पे भी अच्छे से लगाना है। अब मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद में आपने लगाना है प्राइमर। प्राइमर का आपने सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि प्राइमर आपने सिर्फ उन एरियाज़ में लगाना है जहाँ पर थोड़ी सी भी प्रॉब्लमैटिक स्किन है। जैसे मेरे यहाँ अंडर आईज है, पफी आईज हैं, तो मुझे यहाँ लगाना है। जहाँ जहाँ ब्रेकआउट्स हैं, स्किन जहाँ भी अनइवन है या अनइवन कलर है, आप वहाँ पे ही एक प्राइमर को लगाएंगे। जैसे और मेरे स्किन पे थोड़े थोड़े पोर्स हैं, पोर्स यानी बहुत छोटे 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 डॉट्स हैं, तो मेकअप लगने के बाद में वो पोर्स दिखने लग जाते हैं थोड़े टाइम के बाद में। तो उसे कवर करने के लिए आप एक पोर मिनिमाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं या एक जेल बेस्ड प्राइमर का यूज़ करें। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ स्मैशबॉक्स का पोर प्राइमर। दिस इज मिनिमाइज पोर्स करके ये इसका एक प्राइमर है, तो मैं वो यूज़ करूँगी। रुको रुको रुको, देख रहे हो ना अब तक वीडियो? प्लीज़ वीडियो को पूरा देख के ज़रूर जाना, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आइए देखते हैं आगे की वीडियो। तो मैंने थोड़ा सा ये ले लिया है, मैं भी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ तो मुझे भी आज पता लगेगा ये कितना वर्क करता है। अदरवाइज मैं एक जेल बेस्ड प्राइमर का यूज़ करती हूँ। सिर्फ प्रॉब्लमैटिक एरियाज पे लगाना है, पूरे फेस पे प्राइमर नहीं लगाना है। तो ये मेरा जहाँ जहाँ पोर्स हैं मैं वहाँ वहाँ लगाऊंगी। और इसका मोशन भी मैं आपको सिखाती हूँ कि आपको लगाना कैसे है। तो इसको ऊपर की तरफ, हमेशा प्राइमर को आपने ऊपर की तरफ लगाना है, उससे ही आपके पोर्स फिल होंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं आपको बता नहीं सकती लेकिन मेरी स्किन इतनी स्मूथ फील होने लग गई है ये लगाते ही। तो ऊपर और इसे आप 5 मिनट का टाइम देंगे ही देंगे सूखने के लिए, स्किन में अब्जॉर्ब होने के लिए। उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब आपने कंसीलर लेना है, लेकिन ये जो कंसीलर लेंगे ना हम, इस कंसीलर को आपने अपने स्किन टोन में जो भी डार्क शेड है आपकी स्किन का, जैसे मेरी अंडर आईज रेड टोन में जाती हैं या थोड़ी सी डार्क होती हैं, और मेरा ये वाला एरिया थोड़ा सा डार्क है, तो जो जो आपकी स्किन में डार्कनेस है आपने उस कलर से मैचिंग एक कंसीलर लेना है। तो मैं यूज़ करती हूँ LA Girl का कंसीलर। ये कंसीलर बहुत अच्छे हैं, रेंज भी इसकी ठीक है। तो ये जो शेड है ये है वॉर्म हनी शेड। यहाँ पे भी मार्क्स हैं, वहाँ लगाऊंगी। ये देखिए जैसे मेरे यहाँ पे भी मार्क्स हैं, मेरे यहाँ पे भी मार्क है, और यहाँ नोज़ की साइड में मार्क हो, सबके हल्की सी रेडनेस होती है, उसे कवर करें। यहाँ डार्कनेस है तो यहाँ लगाएं। यहाँ पे तो आपने लगाना ही लगाना है पूरा पर चारों तरफ। और भी देख लीजिए जहाँ जहाँ आपको, जैसे मेरे यहाँ पे थोड़ी सी डिसकलरेशन है मैं यहाँ भी लगाऊंगी। इस साइड कम है, यहाँ हल्का हल्का लगा लेते हैं। बस बहुत ज़्यादा आपने अपनी फेस के ऊपर प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करना है। ये मैंने छोटा सा वो लिया है, अगर आपके पास जो भी ब्यूटी ब्लेंडर है तो उसको पानी में गीला करें और टॉवल के अंदर स्क्वीज आउट कर दें। इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, बस ये गीला गीला फील होना चाहिए। इस तरीके से छोटा लेंगे तो उससे बहुत इजीली हो जाता है ब्लेंड। अगर
आपके पास ये नहीं है तो फिर आप फिंगर की मदद से आप इसे ब्लेंड कर लीजिए। अब आप देख रहे हैं कलर चेंज हो गया, ये बिल्कुल मेरे स्किन से मैच करने लग गया, तो यही इसका काम होता है। तो मेरा मेकअप ब्लेंड, अभी थोड़ा इसमें फाउंडेशन भी आएगी तो उससे और जो भी है कवर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपने अपना फेस को बना लेना है। अब इसके ऊपर आप लगाएंगे अपना फाउंडेशन। तो अब आपको फाउंडेशन जो चूज़ करनी है वो कैसे चूज़ करनी है, तो मैं क्या करती हूँ, मैंने एक बहुत ब्राइट फाउंडेशन ली हुई है, एक मैंने डार्क फाउंडेशन ली हुई है, इन्हें मिक्स मैच करके यू कैन मेक फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होती है, तो ऑक्सीडाइज होने के बाद वो एक टोन और डाउन चला जाता है, तो इसीलिए बेटर है कि आप अपनी स्किन टोन से एक टोन अप ले लीजिए ताकि वो जब ऑक्सीडाइज हो तो वो आपकी स्किन जैसा ही कलर लगने लग जाए। बहुत ही अच्छी फाउंडेशन लगी मुझे ये, मैंने नई फाउंडेशन बाय करी थी हुडा ब्यूटी, इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा है लेकिन इसके रिजल्ट्स परफेक्ट, मतलब बहुत थोड़ी सी और बहुत अच्छे से लगती है। तो इसका मैं लूँगी अपने हैंड पे, यही हमेशा बैक ऑफ द हैंड में लेती हूँ मेकअप। इसका मैंने दो पम्प्स लेने हैं, दो पम्प्स मैं इसका ले रही हूँ और एक बहुत ही छोटा सा पम्प मैं इसका लूँगी, बहुत ही छोटा सा पम्प, तो वो मेरा मतलब मेरे लिए वो सही है शेड, बहुत ही छोटा सा पम्प बस, ज़्यादा नहीं। ये डार्क फाउंडेशन तो आपको दिख रहा होगा दोनों में डिफरेंस, तो ये इस तरीके से मैं इसे मैच कर। अब इसे थोड़ा थोड़ा करके आई एम गोइंग टू स्प्रेड इट ऑन माई फेस। तो ये जो हुडा ब्यूटी की फाउंडेशन होती है इसको ये बहुत जल्दी ड्राई आउट होती है, ये मैट फाउंडेशन है और इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा है। तो आई एम गोइंग टू अप्लाई एंड ब्लेंड, मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके लगाऊंगी एंड आई एम गोइंग टू ब्लेंड 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 ब्लेंड, और ब्लेंड जो करते हैं वो एक ही डायरेक्शन में करना है, ये देखिए इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में मूव करते जाइए। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, सारे प्रोडक्ट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन किए हैं। नहीं आईज़ पे अप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि आईज़ पे मुझे कंसीलर लगाना है, सो आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई इट ऑन माय, सो आई एम जस्ट ब्लेंडिंग माय। तो फोरहेड पे ब्लेंड करने के लिए हमेशा बालों को इस तरीके से ऊपर करके ब्लेंड, कई बार क्या होता है मैंने बहुत लोगों का देखा है कि वो ब्लेंड मेकअप जो उनका होता है फाउंडेशन जो होती है वो पता लग रही होती है कि आपके फेस पे फाउंडेशन लगी है क्योंकि फोरहेड में से उनका असली फाउंडेशन दिख रहा होता है, तो वो नहीं होना चाहिए कभी भी, इट शुड बी ब्लेंडेड इन साइड योर लिटिल बिट इन साइड योर हेयर ताकि वो ऐसे लगे कि आपकी स्किन भी। नेक पर आपने फाउंडेशन लगानी ही है हमेशा, इसके लिए अब मेरा बेस एकदम रेडी हो गया। सो पहले भी अच्छा नहीं सॉरी अभी बेस रेडी नहीं हुआ, अभी कंसीलर रहता है। ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं इस वीडियो का, जिसमें मैंने कंसीलिंग कॉन्टोरिंग हाईलाइटिंग सिखाया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे लिखकर ज़रूर बताएं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।